हेलो गाइस, माय नेम इज योगेश एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट लाइफ लर्निंग। दोस्तों, कंपार्टमेंट एग्जाम स्टूडेंट, आप लोग का कुछ डाउट्स था कि कह रहे थे कि सर पेपर कैसा आता है, इजी आता है या टफ आता है, मतलब हार्ड आता है कि कैसा पेपर आता है। तो आपका ये कुछ सवाल है और आपका अभी भी कुछ डाउट है कि इस 3 दिन में हम क्या गलती नहीं करें और किस तरह के सब पढ़ाई करें कि हमारे अच्छे से मार्क्स आ जाएं। देखो, आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है, ठीक है, इस 3 दिन में, और इस 3 दिन का अगर आप अच्छे से यूटिलाइज़ करते हो, इसमें अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हो, कुछ अलग करते हो, दोस्तों आपके बहुत अच्छे से मार्क्स आएंगे। मैं बताऊं तो आपको इन 3 दिन का दोस्तों इस तरीके से यूटिलाइज़ करना है कि आप किसी को कह सको कि यार मैंने जो वो 3 दिन में जो स्टडी करी थी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो और फिर आप सोचो कि यार ये क्वेश्चन मुझे आता था, वो क्वेश्चन मैं छोड़ दिया। तो आपको पूरे चीज़ पे फोकस नहीं करना है कि आप सोचो कि मैं पूरी बुक पढ़ लूँ, उसको सबसे अच्छे से करूँ, मतलब कि पूरे के चक्कर में अगर आप हाथ फैलाओगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे चैप्टर पर ही फोकस करना है जो आपने पहले कर रखा है, सबसे पहली प्रायोरिटी। सेकेंड, कि आपको जो पिछले साल का पेपर है उससे तैयारी करनी है, ठीक है, और आपको ऐसे क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट कर रहे हैं जो कंपलसरी है कि वो आते ही हैं, जो हर साल रिपीटेड होते हैं। तो सबसे पहले उसके दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, ठीक है, उस चैप्टर का पैटर्न कैसा है और किस तरीके से, और कुछ गलती आपको नहीं करनी है। वो क्वेश्चन को दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि अगर पेपर में लिखते हो तो एकदम साफ क्लीन राइटिंग में लिखें, नकल के भरोसे बिल्कुल भी मत बैठें। और एक गलती बिल्कुल मत करना कि किसी पे डिपेंड होना कि कोई मुझे बता देगा एग्ज़ाम में, मुझे कोई चीटिंग कर लेगा, फर्रे वर्रे चल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप 6 फीट की दूरी पे बैठोगे, इस बात को समझ जाओ, और आपको जो करके आना है वो आप ही को करके आना है। तो आपको यहाँ पर क्विक रिविज़न करने की ज़रूरत है। तो आप ऐसे जो आपने नोट्स बनाए थे, जो आपके टीचर ने, स्कूल टीचर ने आपको बताया था वो चैप्टर, तो उसके फटाफट से नोट्स निकालो और उसकी प्रिपरेशन में लग जाओ। तो पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है उससे जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करो। मतलब कि अब आपको इस तरीके से स्टडी करनी है कि दोस्तों अगर आप 2 घंटे बैठते हो पढ़ाई करने के लिए तो आपके 2 चैप्टर क्लियर हो जाने चाहिए। तो एक हर एक चैप्टर को ना एक बारीकी से पकड़ो और आपको उसके जो मेजर पॉइंट होते हैं उन चीज़ों को समझना है कि ये क्वेश्चन क्यों ऐसा बना हुआ है, ठीक है। और तो अगर मैथ का क्वेश्चन है तो आप उसका पैटर्न को समझें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो उसको एक कहानी की तरह एक रियलिस्टिक आपको एब्जॉर्व करना है कि इस कहानी में मैं हूँ। कोई बड़ा सा पैसेज है या क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको कैसे याद करना है, तो आपको उसको अपने लैंग्वेज में, हिंदी में दोस्तों मतलब समझना है। उस क्वेश्चन को आप अपने टीचर से, दोस्तों से, या अपने एल्डर ब्रदर से, सिस्टर से, कैसे सभी पूछ सकते हो, तो उसका कन्वर्ट, हिंदी कन्वर्ट करके उस कहानी को अपने से रिलाइज करें एक कॉपी में। कम से कम आपको उसको ना दोस्तों डायग्राम की तरह बनाना है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट होते हैं कि इस क्वेश्चन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर दोस्तों अंडरलाइन करके उस चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो अगर आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को अपने से एब्जॉर्व करके देखते हो कि मैं इस प्रायोरिटी पे हूँ और आप खुद पे लेके चलते हो, तो वो क्वेश्चन आपको इजी से याद हो जाएगा। तो ठीक है, अपने तरीके से उस क्वेश्चन को बनाएं, स्क्रैच करते रहें, डायग्राम बनाएं, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैथ का प्रॉब्लम है प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करें, ठीक है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो ऐसे जो क्वेश्चन है, जैसे कोई चैप्टर है जो ईजी होते हैं, जैसे मैट्रिक्स का हो गया, डेरिवेटिव हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन पर ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर पर दोस्तों आपको ध्यान देना है। तो अब कुल मिलाकर आपको एग्ज़ाम से पहले दोस्तों ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि आप किसी पर डिपेंड होते हो, आप चीटिंग के भरोसे हो, नकल के भरोसे, ये चीज़ नहीं करना है। आपके दिमाग में बस ये बात आना चाहिए कि जो करना है आपको करना है, और इस 3 दिन में आपको जो पढ़ना है वो दोस्तों बहुत ही अलग होना चाहिए, ताकि कोई और आपसे पूछे कि आपके इतने अच्छे मार्क्स आए कैसे आए, तब आप उसको ये कह सको कि एग्ज़ाम से 3 दिन पहले मैंने जो पढ़ा था वो इफेक्टिवली था, मैंने पूरे साल भर पढ़ा वो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन जो मैंने 3 दिन पढ़ा वो बहुत मायने रखता है। दोस्तों तो ये 3 दिन में आपको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है। तुरंत सुबह जल्दी उठो और माइंड फ्रेश करके एकदम से पढ़ाई में लग जाओ। आपको कुल मिलाकर 1 दिन में 6 से 7 घंटे की स्टडी करनी है, ठीक है, तो इफेक्टिवली स्टडी करनी है स्मार्ट तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।